नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद हो गया। प्रधानाचार्य से परिजन बोले कि उनके बच्चों को चंबल का डाकू क्यों कहा। सरकार आज रहेगी कल नहीं रहेगी। जिस तरह से आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि हमने बच्चों को स्कूल में निर्धारित ड्रेस कोड में आने के लिए कहा था, लेकिन उनके परिजन आकर विरोध जताने लगे। मामला जोधपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर पिपाड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 का है, जहां सुबह 11 बजे करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चला। पिपाड़ के थाने के SI देवराम ने बताया, स्कूल 12वीं तक है। सरकार के आदेश अनुसार प्रधानाचार्य ने बच्चों को ड्रेस कोड में ही स्कूल आने के लिए कहा था। स्कूल में अधिकांश बच्चियां मान गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की क्लास 8 से 12वीं तक की करीब 7 बच्चियां नहीं मानी थी। शनिवार को जब स्कूल पहुंची तो प्रधानाचार्य ने ड्रेस कोड में आने का कह दिया। इस पर वे घर गईं और घटनाक्रम बताया तो इन बच्चियों के परिजन हंगामा करते हुए आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आप हमारे बच्चों को डाकू कह रहे हो। परिजनों का कहना था कि उन्हें क्लास में नहीं बैठाकर टॉर्चर किया जा रहा है। सूचना मिलने पर CBEO सुमेर सिंह स्कूल पहुंचे, समझाइश की गई। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को त्रय ड्रेस कोड में ही आना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।